वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू के साई। आई एम मानसी वर्मा। आज हमारे इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 एन की क्लास 9th की माय इंग्लिश कोर्स बुक का जो हमारा चैप्टर है दी नेकलेस, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 ऑलरेडी इसका अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट दे देती हूँ इस चैप्टर का। जो फर्स्ट पार्ट है वैसे तो वो सुनकर आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी जो द नेकलेस स्टोरी है वो 19वीं सदी के फ्रांसीसी लेखक जो हैं गाय डी मॉपासेंट, उनकी एक लघु कहानी है, मतलब उनकी ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और जो गाय डी मॉपासेंट है उन्हें लघु कहानी के शुरुआती उस्तादों में से एक माना जाता है। और जो मॉपासेंट हैं वो मतलब जो फ्रांसीसी सोसाइटी थी ना उसमें जो एवरेज क्लास के लोग थे, मतलब जो औसत लोग थे, उनकी कठिनाइयों को और उनके जो आगे बढ़ने के एफर्ट्स थे, उनके प्रयास थे, उनके बारे में लिखने के लिए गाय डी मॉपासेंट को जाना जाता है। अब उनके जिसके परिणाम क्या होते थे, अक्सर निराशाजनक ही होते थे, और ये कहानी भी कुछ वैसी है। और इस कहानी के जो मेन तीन कैरेक्टर हैं वही हमारे पार्ट 1 में थे, और वही तीन कैरेक्टर अब इस पार्ट 2 में आएंगे। कौन कौन से वो तीन कैरेक्टर हैं? एक है मैथिल्डे लॉयसेल जो इस कहानी की मेन एक्ट्रेस हैं, दूसरे हैं महाशय लॉयसेल मतलब जो उनके हस्बैंड हैं, और तीसरी है मैडम फॉरेस्टियर जो कि मैथिल्डे की फ्रेंड हैं। तो चलिए आगे हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि मैथिल्डे जो हैं वो एक बहुत सुंदर और सामाजिक सोशल हैं, और वो अपने मतलब महंगी वस्तु चाहती है वो हमेशा अपने लिए। लेकिन वो एक क्लर्कों के परिवार में पैदा हुई है और दूसरे क्लर्क से उनकी जो है शादी हो जाती है, इस वजह से वो महंगे कपड़े महंगे सामान नहीं खरीद पाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। और मैथिल्डे के जो हस्बैंड है लॉयसेन वो एक बहुत साधारण सुख सुविधा वाले व्यक्ति हैं, और लेकिन वो अपने जीवन से खुश हैं। सिर्फ मैथिल्डे अपने जीवन से खुश नहीं है, लेकिन उसके हस्बैंड उससे बहुत प्यार करते हैं और एक पार्टी का निमंत्रण लेकर आते हैं जो कि एक मंत्री के घर पर होती है। उस पार्टी में पहनने के लिए वो अपने हस्बैंड से बोलती है मेरे पास ड्रेस नहीं है, वो ड्रेस लाने के लिए उसे पैसे भी देते हैं। वो अपनी फ्रेंड से एक हीरो का हार लेती है उधार पहनने के लिए, वो हार खो जाता है। अब उसके आगे की स्टोरी हमारी अब शुरू होती है। दे लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लॉक, इन हर पॉकेट्स एवरीवेयर, मतलब उन्होंने उसकी पोशाक मतलब जो ड्रेस वो पहन के गई थी, ड्रेस की जो फोल्ड्स थी मतलब तह लग जाती है ना बीच में जो प्लीट्स होती हैं, उसकी तह में देखा। और उसका जो क्लॉक था, क्लॉक को वैसे बोलते हैं लबादा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक गारमेंट था जो कि मतलब कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, और इसमें क्या है, इसमें स्लीव्स नहीं होती और इसे गले में बांधा जाता है, जो आपने अंग्रेज़ों को पहने हुए देखा होगा उनकी पार्टीज़ वगैरह में। उन्होंने हर जगह इसे ढूंढा बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो इसे नहीं पा सके, मतलब उन्हें वो इसे कहीं भी नहीं मिला। हर जगह देखा लेकिन वो इसे ढूंढ नहीं सके। अब जो मैथिल्डे के हस्बैंड है मिस्टर लॉयसेल, वो उससे पूछते हैं आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्ट। अब वो मैथिल्डे से पूछते हैं उसके जो हस्बैंड है कि क्या तुम श्योर हो, मतलब वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि जब तुम हॉल से यानी कि जब तुम पार्टी से निकली थी तो तुमने इसे पहना हुआ था। उन्होंने उससे पूछा Yes, I touched it in the hall at the ministry. अब जो मैथिल्डे है वो कहती है हाँ मैंने इसे मंत्रालय के हॉल में जो था छुआ था, मतलब उसने अपने गले में हाथ लगा के देखा था, इसे टच किया था, ये था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैम्प। वो कहते हैं कि लेकिन अगर ये गली में कहीं गिरा होता, मतलब सड़क पर अगर हमने इसे खो दिया होता तो हमने इसके गिरने की आवाज़ ज़रूर सुनी होती। अब वो कहते हैं इट मस्ट बी इन द कैब, ये अवश्य निश्चित रूप से ये कैब में गिरा होगा, मतलब उन्होंने जो कैब ली थी घर तक आने के लिए वो कह रहे हैं कि उस कैब में ये कहीं गिरा है। येस दैट्स प्रोबेबली इट, अब वो कह रही है हाँ शायद यही हुआ है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। डिड यू टेक हिज नंबर, अब वो पूछते हैं मैथिल्डे से क्या तुमने टैक्सी का नंबर लिया था। अब वो कहती है नो नहीं। They stared at each other stunned, और वे स्तब्ध होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्टंट का मतलब होता है स्तब्ध रहकर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखना, मतलब वो एक दूसरे को देखते रहे। At last बाद में लॉयसेल put his clothes on again, I am going back, he said। और लॉयसेल जो थे उन्होंने फिर से अपने कपड़े पहन लिए और उन्होंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, मतलब वो ढूंढने के लिए जा रहे थे। Over the whole route we walked and see if I can find it, वो कहते हैं कि मतलब वो वापस कपड़े पहनकर वो जाते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं पूरे रास्ते पर जिस पर हम चले थे देखते हैं कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। He left, वो चले गए। She remained in her ball dress all night, और वो पूरी रात अपनी उस ball dress में रही, मतलब वो जो पार्टी में उसने ड्रेस पहनी थी पूरी रात वो उसी में रही। Her mind blank, और उसका दिमाग एकदम खाली हो गया, कहते हैं ब्लैंक आउट हो गया, मतलब वो सुन्न हो गई, वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी।
हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock और लगभग 7 बजे उसका हस्बैंड जो था वो वापस आ गया। ही हैड फाउंड नथिंग, मतलब वो वापस तो लौट आए लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया, टू द न्यूज़पेपर टू ऑफर ए रिवार्ड, और वो मतलब पुलिस के पास गया, अखबारों के पास गया, उसने इनाम की पेशकश की। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम। टू द कैब कंपनीज, कैब कंपनी को इनाम की पेशकश की। एवरीवेयर द टीनिएस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम, मतलब आशा की छोटी सी किरण जहाँ कहीं भी उसे ले गई, वो बेचारा हर जगह गया। शी वेटेड ऑल डे, उसने पूरे दिन इंतजार किया। इन डेस्पेयर एट दिस फ्रिटफुल एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, और उसने क्या किया, मतलब जो मिसिज लॉयचल थी उन्होंने क्या किया, उसने दिन भर डेस्पेयर में निराशा में प्रतीक्षा की। किसकी, उसके हस्बैंड की, क्योंकि वो दिन भर बेचारा पुलिस के पास गया था और इनाम की पेशकश की कैब कंपनीज के लिए, सब कुछ किया जो वो कर सकता था। और जो मिसिज लॉयचल थी उसने पूरे दिन इस भयावह आपदा, यानी कि फ्राइटफुल डिजास्टर का मतलब होता है इस भयावह आपदा की, निराशा में प्रतीक्षा करती रही। डेस्पेयर मतलब निराशा में अपने हस्बैंड के लौटने की। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग ए हॉलो पेल फिगर, ही हैड फाउंड नथिंग, और लॉयसेल जो थे वो शाम को वापस आए, लेकिन कैसे, मतलब वो बेचारे मतलब पीले पड़ गया था उनका चेहरा, और वो हॉलो मतलब होता है खाली, मतलब वो बेचारे खाली, मतलब होलो का मतलब ऐसे तो खोखली होता है लेकिन यहाँ पर खाली से लगा है, मतलब एक खाली आदमी बेचारा जिसकी जो पीला पड़ गया था और उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सैड, उसने कहा कि तुम्हें ना अपने मित्र को लिख देना चाहिए, मतलब फ्रेंड को पत्र लिख देना चाहिए। टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मैंडेड, उसने कहा कि तुम उसे लिख दो कि उसके हार का जो क्लैस्प है, बंधन है, जो मतलब जो जहाँ से बंद करते हैं वो टूट गया है, और तुम उसे ठीक करा रही हो। मैंडेड का मतलब होता है ठीक करा रही हो, रिपेयर करा रही हो। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, वो कहता है तो इससे क्या है, हमें कुछ दिन और देखने का ढूंढने का समय मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, अब जैसे उसने उसे लिखने के लिए बोला कहा, उसने वैसे अपनी फ्रेंड को लिख दिया। एट द एंड ऑफ 1 week, एक हफ्ता बीतने के बाद, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी मतलब जो आशाएं उम्मीदें थी वो खो दी। एंड लॉयसेल हु सडनली लुक्ड एजेड डिक्लेयर्ड, वी मस्ट कंसीडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल, और लॉयसेल जो अचानक वृद्ध दिखने लगे, मतलब बेचारे वृद्ध दिखने लगे थे, उन्होंने क्या घोषणा की, वी मस्ट कंसीडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल, और उन्होंने घोषणा की कि भाई अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस हार को जो है, मतलब वो हार तो खो गया है, अब इस हार को, इस गहने को कैसे रिप्लेस किया जाए, कैसे बदला जाए। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर ए नेकलेस लाइक दी अदर वन, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, और इसलिए वे एक ज्वेलर से लेके दूसरे, यानी कि एक ज्वेलर से दूसरी ज्वेलर के पास, मतलब एक ज्वेलर के पास फिर दूसरे ज्वेलर के पास, ऐसे वे ज्वेलर टू ज्वेलर गए एक दूसरे हार की तलाश में, जो कि उस हार के जैसा बिल्कुल दिखता हो जो कि मैथिल्डे से खो गया है। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, मतलब अपनी यादों से परामर्श करते हुए, मतलब अब कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श करता करना, यादों से परामर्श कैसे करा होगा उन्होंने, मतलब मेमोरी पर को याद करते हुए कि वो हार कैसा दिखता था वो याद करते हुए, वे एक ज्वेलर की दुकान से दूसरे ज्वेलर की दुकान पर गए कि उन्हें सेम हार मिल जाए। बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, चिंता, दोनों दुख और पीड़ा से पीड़ित थे। इन ए शॉप एट द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स विच सीम्ड टू बी एग्जैक्टली वॉट दे वर लुकिंग फॉर, और पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्हें हीरो की एक माला मिली जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वे तलाश कर रहे थे। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वैसी, वॉट दे वर लुकिंग फॉर, जिसकी वे खोज कर रहे थे, जिसकी वे तलाश कर रहे थे। लुक फॉर का मतलब होता है खोज करना, तलाश करना। इट वॉज वर्थ 40,000 francs, और इसकी कीमत कितनी थी, 40,000, यानी कि 40,000 francs इसकी कीमत थी। दे कुड हैव इट फॉर 36,000, वे इसे 36,000 में प्राप्त कर सकते थे। 36,000 कितने में, फ्रेंक्स में प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो दे बैग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, इसलिए वो ज्वेलर से प्रार्थना करते हैं कि वो इसे 3 दिन तक इसे न बेचने की विनती करते हैं कि 3 दिन तक वो इसे ना बेचे। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 francs इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुअरी। अब इसलिए जोहरी उसे मतलब उन्होंने विनती की है, अब उन्होंने एक व्यवस्था की कि यदि फरवरी के अंत से पहले दूसरा हार मिल गया तो वे इसे 34,000 francs में वापस ले लेंगे। मतलब दुकान वाला उन्हें कहता है, ज्वेलर उन्हें कहता है कि अगर उनका हार मिल गया तो जो हार वो उन्हें बेच रहा है इसे वो 34,000 francs में उनसे वापस ले लेगा।
लॉयसेल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, और लॉयसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़े थे. ही वुड बोरो द रेस्ट, और बाकी रकम वो बेचारा उधार लेगा. एंड ही डिड बोरो, और उसने उधार लिया. मतलब एक मिसिज लॉयसेल की एक छोटी सी गलती की वजह से उनको कितनी भारी भरपाई करनी पड़ रही है. इसीलिए कहा गया है जो अपने पास है उसी में खुश रहो, उधार में तो कभी चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए. एंड ही डिड बोरो, और उसने क्या किया, उधार लिया. ही गेव नोट्स, मेड रियूनियस एग्रीमेंट्स, उसने नोट लिए और विनाशकारी समझौते किए. रियून का मतलब होता है मतलब विनाशकारी. देखो यहाँ पर दिया है मीनिंग, लीडिंग टू ए हैवी लॉस रियून, मतलब जो बहुत बड़ा लॉस जिससे उसकी बर्बादी, जैसे कि मोटे मोटे ब्याज पे उसने ले लिए होंगे बेचारे ने पैसे. डील्ड विद एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, और उसने हर तरह के साहूकार से लेन देन किया. मतलब कुछ ने तो उसे बेचारे को बहुत ज़्यादा मोटे इंटरेस्ट पे पैसे उधार दिए होंगे. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. फिर वो हार, नया हार लेने के लिए जोहरी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक उसने जो थे रख दिए. When Madame Loisel took the necklace back, जब मैडम लॉयसेल ने जो नेकलेस था वो वापस लिया. मैडम फॉरेस्टियर सैड कोल्डली, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट. जब वो वापस दे देती है तो मैडम लॉयसेल ने हार जब वापस दिया तो मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड है वो उसे कहती है, मतलब रुखाई से बेरुखी से उसे कहती है कि तुम्हें ना इसे पहले ही लौटा देना चाहिए था, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी हो. फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉयसेल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, और उस दिन से जो मैडम लॉयसेल थी वो अत्यंत गरीबों के भयानक जीवन का उसको पता चल गया कि हॉरिबल लाइफ मतलब भयानक जीवन के बारे में पता चला. बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, लेकिन उसने जो अपना पार्ट था वो बड़ी वीरतापूर्वक निभाया. द ड्रेडफुल डेब्ट मस्ट बी पेड, मतलब जो भयानक कर्ज है उसे तो चुकाना ही होगा भाई. शी वुड पे इट, वो इसका भुगतान करेगी. दे डिसमिस्ड देयर मेड, उन्होंने अपनी नौकरानी को हटा दिया. दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना जो रहने का आवास था उसे बदल दिया. दे रेंटेड ए गैरेट अंडर द रूफ, उन्होंने छत के नीचे एक छपरी किराए पर ले ली. एक छतरी मतलब छत के नीचे जो मतलब एक छपरी टाइप होती है वो छतरी उन्होंने किराए पर ले ली. शी केम टू नो द ड्रजगैरी ऑफ हाउस वर्क, और उसे घर के कामकाज की जो कठिनता थी, ड्रगैरी का मतलब होता है जो मतलब कठिनता होती है घर के कामकाज की, उसके बारे में उसे पता चला. द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन, ओडियस मतलब जो ओडियस कह सकते हो आप, जो घृणित कार्य होते हैं ना, मतलब उसे किचन के कामों से जो घृणा थी, जो रसोई के घृणित परिश्रम का मतलब उसे पता चल गया. शी वॉश द डिशेज, पहले तो मेड उसके यहाँ काम करती थी, अब उसने बर्तन धोए. द डर्टी लिनन, मतलब बर्तन धोती थी, गंदे लीनन धोती थी मतलब चादरें वगैरह धोती थी. शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह सड़क पर कूड़ा कचरा लेकर जाती थी. एंड कैरिड अप द वाटर, और पानी ऊपर लेकर आती थी. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ एंड ड्रेस लाइक ए कॉमनर, सांस लेने के लिए प्रत्येक मतलब हर मतलब वॉट मतलब हर जो सीढ़ी थी ना, जो स्टॉपिंग थी, हर जगह पर वो रुकती थी सांस लेने के. और एक आम व्यक्ति की तरह बिचारी वो कपड़े पहनती थी, जिन चीज़ों से वो नफरत करती थी अब उस बिचारी को कर्जा उतारने के लिए वही सब करना पड़ रहा है. शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स, क्वेरल एंड फेस इंसल्ट्स ओवर एवरी मिजरेबल यू, उसे बाजारों में मोल भाव करना पड़ता था. बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, सौदेबाजी करना पड़ता था. क्वेरल मतलब झगड़ा करना पड़ता था. एंड फेस इंसल्ट्स, और ओवर एवरी मिजरेबल सू, और हर दुखी औरत के लिए अपमान का सामना करना पड़ता था. ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, हर महीने उन्हें कुछ ऋण चुकाने पड़ते थे. रीन्यू अदर्स गेट मोर टाइम, कुछ का नवीनीकरण करना पड़ता था और अधिक समय मिलता था. हर हस्बैंड वर्कड एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर ए ट्रेड्समैन, एंड ऑफन लेट इन टू द नाइट ही सेट कॉपिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट एट 500 पेज. उसका पति अतिरिक्त काम करता था, हर शाम बेचारा एक व्यापारी के लिए हिसाब किताब करता था, और अक्सर देर रात तक वो प्रति पृष्ठ मतलब 500 मीन्स मतलब 1/20 ऑफ ए फ्रैंक, मतलब एक फ्रैंक का जो 20वां हिस्सा होता है. सो क्या होता है, तो फ्रेंच कॉइन ऑफ लो वैल्यू, जिसकी बहुत लो वैल्यू होती है, यूज इन द पास्ट, जो पुराने समय में यूज़ किया जाता था. और आप गूगल करोगे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, वहाँ पर इसकी वैल्यू बताई गई है 1/20 ऑफ ए फ्रैंक. आप और देख सकते हैं, मतलब एक फ्रैंक का 20वां हिस्सा, उतने पे वो क्या करता था, एक पेज को कॉपी करता था, एक मैन्यूस्क्रिप्ट को. मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं हिंदी में पांडुलिपि को, मतलब उनकी वो प्रतिलिपि बनाने के लिए बैठा करता था.
एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और ये जो जीवन था ना ये 10 वर्ष तक चला, मतलब 10 वर्ष तक, 10 ईयर्स तक उन हस्बैंड वाइफ को, उसकी वाइफ को बेचारी को ऐसे ही नौकर जैसा जीवन जीना पड़ा, जूठे बर्तन धोने पड़े, गंदे कपड़े धोने पड़े, कचरा नीचे ले जाना पड़ा, बार्गेनिंग करनी पड़ी दुकानदारों से, और उसके हस्बैंड को कितना, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को एक हार के पैसे चुकाने के लिए 10 साल तक बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ी। एट दी एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग, और 10 वर्षों के अंत तक उन्होंने सब कुछ चुका दिया था। दे हैड पेड ऑफ मतलब चुका दिया था, इवन द इंटरेस्ट, यहाँ तक कि ब्याज भी, मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ मूल नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट भी चुका दिया था। मैडम लॉयसेल लुक्ड ओल्ड नाउ, मैडम लॉयसेल जो थी वो अब बूढ़ी दिखती थी। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, अक्सर वो अतीत के बारे में सोचती थी। ब्रूडेड ओवर का मतलब होता है मतलब सोचना, मतलब बहुत दुखी मन से सोचना, यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है देखिए, थॉट सैडली अनहैप्पीली मतलब दुखी होकर सोचा। तो अक्सर वो क्या करती थी, अक्सर वो अतीत के बारे में दुखी होकर सोचती थी। पास्ट का मतलब अतीत। What would have happened if she had not lost that necklace? वो कहती है कि अगर उसने वो हार ना खोया होता तो क्या होता। अरे मैडम, अगर आपने उधार ही ना लिया होता हार पहनने के लिए, दिखावे के लिए, तो ये सब हार लेती नहीं तो हार खोता नहीं। वो अभी भी उसे ये नहीं दिख रहा कि भाई मैंने हार उधार नहीं मांगा होता। वो क्या कह रही है, अगर हार नहीं खोया होता। अरे मैडम, आप ये सोचो ना कि अगर मैंने हार उधार लिया ही नहीं होता, ना हार उधार लेती दिखावे के लिए, ना हार खोता। How strange life is, how fickle, वो कहती है ज़िंदगी कितनी अजीब है और ज़िंदगी कितनी चंचल है। फिकल मतलब होता है चंचल, जैसे नहीं कहते कितना फिकल माइंडेड है तू, मतलब तेरा दिमाग कितना चंचल है, कभी कुछ कभी कुछ। How little is needed for one to ruined or saved, वो कहती है किसी को बर्बाद होने या फिर बचाने के लिए कितनी कम आवश्यकता होती है। उसका कहने का तात्पर्य कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक हार का खोना काफ़ी था। उस हार के खोने की वजह से उसकी पूरी लाइफ रियून हो गई है, पूरी ज़िंदगी उसने कितना दुख भरा कष्ट भरा जीवन जिया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वन संडे, एक संडे को, एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प्स एलिसिस, सडनली शी सा मैडम फॉरेस्टियर। और एक रविवार को जब वो चैम्प्स एलिसिस में घूम रही थी तो उसने अचानक मैडम फॉरेस्टियर को देखा। मैडम फॉरेस्टियर वही है, उसकी फ्रेंड है जिससे उसने वो हीरे का हार लिया था पहनने के लिए। स्टिल यंग, और वो तो अभी भी जवान दिख रही थी, स्टिल ब्यूटीफुल, अभी भी सुंदर दिख रही थी, एंड स्टिल चार्मिंग, और अभी भी बहुत आकर्षक दिख रही थी। मैडम लॉयसेल फेल्ट इमोशनल, और मैडम लॉयसेल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, भावुक हो गई उनको देख के। शुड सी स्पीक टू हर, और वो सोचती है कि क्या उसे उनके साथ उससे बात करनी चाहिए, मतलब मैडम लॉयसेल सोचती है कि क्या उसे मैडम फॉरेस्टियर से बात करनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, और वो कहती है हाँ बेशक करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल वाइन ऑन, और वो कहती है कि अब जब उसने पूरा भुगतान कर दिया है तो वो उसे बता देगी, क्यों नहीं, मतलब वो कहती है कि मैं अब उसे सारी बातें बता दूंगी। शी वेंट अप टू हर, वो उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जीनी, वो कहती है गुड मॉर्निंग जीनी। The other astonished to be addressed so familiarly by this common woman did not recognize her, और दूसरी जो थी वो इस सामान्य महिला द्वारा इतने परिचित रूप से संबोधित किए जाने से बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। Recognize का मतलब होता है पहचानना, address का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, familiar का मतलब होता है इतने परिचित रूप से। उसने बोला ना गुड मॉर्निंग चीनी, तो उसे लगा भाई ये मुझे ऐसे बुला रही है, उसका नाम था मैडम फॉरेस्टियर था, मतलब इतने परिचित ढंग से मुझे बुला रही है ये कॉमन वुमेन, ये एक साधारण सी महिला, तो उसने उसे नहीं पहचाना। शी स्टैमर्ड, और वो क्या, वो हकलाती हुई बोली, स्टैमर्ड मतलब हकलाते हुए बोलना। बट मैडम आई डोंट नो यू, अब वो कहती है कि मैं तो तुम्हें मतलब नहीं जानती हूँ, मतलब मैं नहीं जानती हूँ कि तुम मुझे मतलब कौन हो। नो आई एम मैथिल्डे लॉयसेल, अब वो कहती है कि मैं ना मैथिल्डे लॉयसेल हूँ। अब उसकी जो फ्रेंड है, हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ओ, अब उसकी सहेली ने होते हुए कहा ओ माई पुअर मैथिल्डे, मेरी बेचारी मैथिल्डे, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम मतलब इतनी कैसे बदल गई हो, वो उससे कहती है। येस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई लास्ट सा यू, वो कहती है हाँ जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है तब से मुझे कुछ बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ा था। एंड मैनी मिजरीज, और बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब कुछ तुम्हारी वजह से। मी हाउ कैन दैट बी, वो कहती है मैं वो कैसे हो सकता है। यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी, वो कहती है कि तुम्हें वो हीरे का हार याद है जो तुमने मुझे मंत्रालय की पार्टी में पहनने के लिए दिया था। अब मैडम फॉरेस्टियर कहती है येस वेल, हाँ ठीक से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो कहती है कि मैंने उसे खो दिया था। अब मैडम फॉरेस्टियर कहती है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, यू ब्रॉट इट बैक, तुम तो इसे वापस ले आई थी भाई।
अब वो कहती है मैडम लॉयसर उसे सच्चाई बता रही है, देखिए आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी जो वो बिल्कुल वैसा ही था, मतलब वो तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए जो लाई थी वो दूसरा था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और वो कहती है इसके लिए भुगतान करने में हमें 10 साल लग गए। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, वी हैड वेरी लिटिल। और वो कहती है हमारे पास बहुत कम था, मतलब आसान नहीं था ये हमारे लिए 10 साल तक उस कर्ज को चुकाना क्योंकि हमारे पास बहुत कम था। बट एट लास्ट इट इज़ ओवर, लेकिन आखिरकार वो ख़त्म हो गया। वो कह रही है कि आखिरकार वो सारा कर्जा हमने चुका दिया है। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टंड, और मैडम जो फॉरेस्टियर थी वो स्तब्ध रह गई बिचारी। यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। अब वो उसे कहती है कि तुम कह रही हो कि तुमने मेरे हार के बदले एक हीरे का हार खरीदा था। येस यू डिडंट नोटिस दैट। अब मैडम लॉयसर कहती है हाँ शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। दे वर वेरी सिमिलर, वे बिल्कुल एक समान थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, और वो गर्व और मासूम खुशी के साथ जो थी वो मुस्कुराई। अब वो उसे सच्चाई बताएगी। मैडम फॉरेस्टियर देख ले, मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड बैक टुक बोथ ऑफ हर हैंड, और मैडम फॉरेस्टियर ने क्या किया अपने दोनों हाथ पकड़ लिए। मूव्ड टुक बोथ हर हैंड्स। ओ माई पियर मैथिल्डे, ओ मतलब वो कहती है उसे मेरी बिचारी मैथिल्डे, माइन वॉज एन इमिटेशन। वो कहती है मेरा तो नकली था, मतलब वो कह रही है असली हीरो का हार नहीं था, मेरा तो इमिटेशन था, मतलब नकली डायमंड्स थे। इट वॉज वर्थ 500 francs एट मोस्ट, ये तो मुश्किल से, मतलब इसकी मैक्सिमम जो कीमत थी वो 500 francs से ज़्यादा नहीं थी, ये 500 francs का था। चैप्टर एंड हो गया है, और ये किससे लिया गया है, एडॉप्टेड फ्रॉम द नेकलेस बाय गाय डी मॉपोसेंट। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इस कहानी को पढ़कर आपने क्या देखा, देखो इसमें कितनी सारी अजीब चीज़ें दिखाई गई हैं। मैडम फॉरेस्टियर को पता था कि गहने नकली है, लेकिन उन्होंने मैथिल्डे को नहीं बताया क्योंकि उन्हें एक महंगी वस्तु को उधार देने में अमीर और उदार दिखने का भ्रम था। मतलब वो मैथिल्डे को क्या दिखाना चाह रही थी कि भाई मैं तो बहुत अमीर हूँ, देखो मेरे पास तो हीरे का हार है। उसने क्या किया, उसने झूठे महंगेपन का, झूठी अमीरी का दिखावा किया, जो उसके पतन का कारण बनता है। किसके पतन का, मैथिल्डी के पतन का। और मैथिल्डी ने क्या गलती की, मैथिल्डी ने एक रात के लिए अपने, मतलब अपने शो ऑफ के लिए, अपने गौरव को दिखाने के लिए कि भाई मैं इतनी अमीर हूँ, उसने इसकी कीमत अगले 10 वर्षों की कठिनाई से चुकाई। मतलब 10 वर्षों तक उसने कितना कठिनाई से काम किया, उसके पति ने दिन रात मेहनत की, तब जाकर उसने उस हार की कीमत चुकाई। और जिस हार को पहन के वो सुंदर दिखना चाहती थी, उसी हार की कीमत चुकाने में उसकी पूरी की पूरी सुंदरता जो थी वो नष्ट हो गई। मतलब उस हार ने उसकी सारी सुंदरता को ही नष्ट कर दिया, जिस हार को वो पहनकर सुंदर दिखना चाहती थी। और क्या किया, गौरव ने उसकी सहेली को शुरू में ये स्वीकार करने से भी रोका कि हार नकली था। मतलब उसे इम्पॉर्टेंट फील हो रहा था कि मैथिल्डे तो अमीर नहीं है, मैं इतनी अमीर हूँ, इसलिए उसने मैथिल्डे से झूठ बोल दिया कि मेरा हार जो है वो डायमंड का है, जिससे बेचारी मैथिल्डे का पतन हो गया। अगर मिसेस फॉरेस्टियर ने मैथिल्डे से सच बोला होता तो बेचारी मैथिल्डे का पतन रोका जा सकता था। तो देखो ये कितनी अच्छी कहानी है, इससे कितनी अच्छी हमें शिक्षा मिली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।